हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल एक्सेलेंट एग्जाम में मैं विवेक आपका फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम लेकर आ चुके कक्षा 12 मैथ में प्रतिलोम त्रिकोणमिति पूरे अध्याय का महत्वपूर्ण। दोस्तों आज के सेशन हम लोग समाप्त कर देंगे। जी हां दोस्तों, एक क्लास में पूरा अध्याय का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन समाप्त कर देंगे और इसमें जो क्वेश्चन हम लोग आज आपको बताएंगे पढ़ाएंगे उसी में से क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम 2022 में दिखने वाला है। ठीक है, तो आज का सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है और आज का सेशन अगर आप को छोड़ करके गए तो आपको नुकसान ही होगा। तो अभी तक क्लास को शुरू करने से पहले जितने स्टूडेंट क्लास को आप लोग लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए और चैनल पहली बार चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि जो भी नोटिफिकेशन आपको प्रोवाइड होती रहे। और दोस्तों आपको साथ में टेलीग्राम का व्हाट्सएप का ग्रुप जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से फटाफट हमें जुड़ जाइएगा, व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ जाइएगा ताकि जो भी पीडीएफ हमें प्रोवाइड करना है इंपॉर्टेंट का वो हम आपको टाइम टू टाइम देते रहे। और दोस्तों जो व्हाट्सएप पर ग्रुप पर बच्चे जुड़ चुके हैं वो क्लास को टाइम से नहीं ले पाते हैं, तो जब हम बता दें जब वीडियो का लिंक भेज दिया जाए व्हाट्सएप पर तो उस नीले वाले लिंक पर आपको क्लिक कर देना, उसमें टाइम दे नीचे लिख दिया जाता है कि कितने बजे क्लास लाइव चलेगा, तो उतने बजे आप लोग क्लास से जुड़ जाया करिएगा। इससे आपको फ़ायदा क्या होगा कि समय से आप कर लेंगे और ये आप देखते हैं कि हाँ चलिए बाद में पढ़ लेंगे, बाद में जब पढ़ लेंगे और ऐसे ऐसे आपका एग्ज़ाम भी आ जाएगा और एग्ज़ाम भी आपका निकल जाएगा, तो ऐसा नहीं करना। जब आपको टाइम बता दे तो उस समय क्लास से आप लोग जुड़ जाया करिएगा। चलिए समय बर्बाद न करते हुए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं बहुविकल्पी क्वेश्चन की। ठीक है, तो जो कि आपको एक अंक में पूछेगा, जैसे कि इसमें क्वेश्चन में पूछ सकता है कि टेन इनवर्स रूट थ्री माइनस सेक इनवर्स माइनस टू का मान बराबर है, चार ऑप्शन को दिया रहेगा, पाई माइनस पाई बाई थ्री, पाई बाई थ्री और टू पाई बाई थ्री। तो दोस्तों यहां से आपके बहुविकल्पी भी क्वेश्चन बनाया जा सकता है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन इससे पूछता है वो आपका अति और लघु इस चैप्टर से बनता है। ठीक है, तो इसका सोल्यूशन भी दोस्तों साथ में लिए हैं ताकि आपको प्रॉब्लम ना आए, साथ में इसलिए लिए हैं ताकि हम कम समय में अच्छा क्वेश्चन और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपको बता सके और आपको अच्छे से तैयारी करवा सके। ठीक है, तो जैसे टेन इनवर्स रूट थ्री माइनस सेक इनवर्स माइनस टू है। ठीक है, अब इसको सरल करने के लिए सिंपल सा तरीका, भाई ये रूट थ्री किसका मान है, तो ये टेन पाई बाई थ्री का मान होता है। टेन पाई बाई थ्री का मान होता है कैसे, टेन साठ अंश, साठ अंश को हम क्या लिखते हैं, पाई बाई थ्री, तो टेन साठ अंश का मान कितना होता है, पाई बाई थ्री, रेडियन में क्या हो गया, टेन पाई बाई थ्री। और माइनस सेक इनवर्स, और ये देखिए माइनस पहले से लगा है, और ये देखिए माइनस, सॉरी ये माइनस है, तो ये जो है टू किसका मान है, ये माइनस सेक पाई बाई थ्री का मान है। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर बात कर लेते हैं, तो क्या आपका आ गया भाई टेन इनवर्स टेन पाई बाई थ्री माइनस सेक इनवर्स। अब देखिए यहाँ पर इसको इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम पाई माइनस पाई बाई थ्री लिख सकते हैं। जी हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं हम। ठीक है सर, क्यों, क्योंकि आप जानते हैं कि सेक पाई माइनस थीटा बराबर क्या होता है, माइनस सेक थीटा होता है। याद है आपको हाई स्कूल में बहुत रटा रटा का पढ़ाया गया होगा कि सेक पाई माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है, माइनस सेक थीटा होता है, और यही चीज़ यहाँ पर लिखा गया है इसका उल्टा। तो यहाँ पर देख सकते हैं, और इसको आप सरल करेंगे तो पाई बाई थ्री माइनस की पाई बाई थ्री सरल करेंगे तो माइनस पाई बाई थ्री इसका आंसर आ जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है एनसीईआरटी से क्वेश्चन है कि यदि साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू वाई है तब बताइए क्या होगा। ठीक है, अब इसका बात करते हैं, तो साइन इनवर्स इसका परिसर हमें बताना है, तो दोस्तों इसका परिसर जो होता है वो माइनस पाई बाई टू से लेकर के पाई बाई टू तक होता है, तो इसलिए इसका बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, इसमें कुछ पीएचडी नहीं करना है आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है आपके सामने, अब अति लघु का आपका आ गया है क्वेश्चन, जिसमें कि वेरी इंपॉर्टेंट है या फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट भी कह सकते हैं। एक क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में मुख्य मान इस अध्याय से पूछता ही पूछता है, तो आपको मुख्य मान निकालना आना चाहिए। जैसे यहाँ पर कहा है कि साइन इनवर्स माइनस रूट थ्री बाई टू का मुख्य मान ज्ञात कीजिए, 2019 में क्वेश्चन पूछा हुआ, इसलिए ये क्वेश्चन क्या है वेरी इंपॉर्टेंट है। तो करेंगे कैसे, लिखेंगे माना साइन इनवर्स माइनस रूट थ्री अपान टू इक्वल टू थीटा मान लेंगे, तो साइन इनवर्स को थीटा की तरफ लेकर जाएंगे तो क्या जाएगा, साइन थीटा इक्वल टू माइनस रूट थ्री बाई टू। अब ध्यान सुनेगा कि हम जानते हैं कि साइन इनवर्स, ध्यान सुने, साइन इनवर्स का जो मुख्य मान परिसर है, अभी जैसे मैंने आपको बताया कि साइन इनवर्स का जो रेंज होता है वो कितना होता है, बड़े वाले कोष्ठक में माइनस पाई बाई टू से लेकर के पाई बाई टू तक होता है। अब ध्यान सुनेगा, तब हम यहाँ पर करेंगे क्या कि हमें दिया है क्वेश्चन कि साइन थीटा इक्वल टू माइनस रूट थ्री बाई टू, अब ये रूट थ्री बाई टू साइन में किसका मान है, ये माइनस पाई बाई थ्री का मान है, माइनस पाई बाई थ्री का मान है, तो यहाँ पर करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस पाई बाई थ्री, तो यहाँ पर थीटा बराबर, ध्यान सुनिएगा, थीटा बराबर कितना आ गया आपका, माइनस पाई बाई थ्री। तो अभी यहाँ पर आंसर आपका समाप्त नहीं हो जाता है, अब थीटा किसके बराबर माने तो उसको हम लोग रख देंगे, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, जब थीटा रखेंगे मान रखेंगे क्या होगा, माइनस साइन इनवर्स
माइनस रूट थ्री बाई टू का इक्वल टू कितना आंसर आ गया, माइनस पाई बाई थ्री। यहाँ पर थीटा हमने किसको माना था, इस वाले को, तो थीटा बराबर जो आया वह यहाँ पर रख देंगे, ठीक है, थीटा के मान के बराबर, और यही आपसे पूछा था। इस तरीके से हम मुख्य मान निकालेंगे। इसी तरीके से अगला भी मुख्य मान है कि कास इनवर्स माइनस वन बाई टू का मुख्य मान ज्ञात कीजिए, 2020 में क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले इसको हम लोग थीटा मान लेंगे और यहाँ से हम लोग कॉस थीटा बराबर माइनस वन बाई टू। अब हम जानेंगे कास इनवर्स का मुख्य मान का जो परिसर होता है वो कहाँ से कहाँ तक होता है, ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है। तो इसका जो मुख्य मान का जो परिसर होता है वो जीरो से पाई तक जाता है, जीरो से पाई तक जाता है। तो अब हम करेंगे क्या, यहाँ से माइनस वन बाई टू, तो ये कास किसका मान है, तो ये कास पाई बाई माइनस कास पाई बाई थ्री का मान होता है। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, जैसे इसके पीछे वाले क्वेश्चन में लिखे थे कॉस पाई माइनस पाई बाई थ्री लिख सकते हैं। अगर इसको करेंगे तो कैसे, देखिएगा कॉस पाई माइनस थीटा बराबर क्या होता है, माइनस कॉस थीटा होगा, इसके मान में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ से हमने क्या लिखा, कॉस पाई माइनस पाई बाई थ्री। अब इसको हम सरल कर देंगे, यहाँ से घटाएंगे तो थ्री पाई से एक पाई जाएगा, टू पाई बाई थ्री बच जाएगा। तो अब दोस्तों हमने क्या पाया, हमने यहाँ पर देखिएगा कॉस थीटा बराबर के क्या आ गया आपका, कॉस टू पाई बाई थ्री। तो यहाँ से दोस्तों कॉस कॉस से हम लोग तुलना करा देंगे तो थीटा बराबर हमारा क्या आ गया, टू पाई बाई थ्री। अब देखिए टू पाई बाई थ्री दोस्तों हमारे इसी परिसर में यह है, यानी कि ये जो आंसर आएगा वो सही है, ठीक है। तो अब थीटा हमने किसको माने थे, कॉस इनवर्स माइनस वन बाई टू को, और कितना आ गया, टू पाई बाई थ्री। ये आपका क्या हो गया, मुख्य मान हो गया। यही आपको निकालना है और ऐसे ही आपको निकालना होता है, लेकिन एक मुख्य मान आपसे पूछता है। देख सकते हैं बहुत सारे क्वेश्चन ही मुख्य मान पर ही पूछा हुआ है। अब इसी तरीके से आप कास इनवर्स माइनस रूट थ्री बाई टू का भी निकाल सकते हैं, ठीक। इसी तरीके से दोस्तों आप कास कोशेक इनवर्स माइनस टू अपार रूट थ्री का भी निकाल सकते हैं, ठीक है, या फिर इसको हम बताना चाहें तो कुछ बता भी सकते हैं इसमें, लेकिन आप निकाल सकते हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन भी डिस्कस करने हैं। और इसी तरीके से आप पांचवा निकाल लीजिएगा, और इसके बाद दोस्तों ये वाला क्वेश्चन छठा भी आप लोग कर लीजिएगा। छठा में क्या है, साइन इनवर्स वन बाई टू इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स है, तो एक्स का आपको मान पूछा है। आप हाई स्कूल विधि से भी निकालना चाहेंगे तो निकाल सकते हैं। अब आपको अगर ऐसे है तो इसको क्या कर लेना भाई, साइन इनवर्स वन बाई टू को थीटा मान लीजिएगा, तो साइन थीटा पर वन बाई टू, और एक किसका मान है, साइन पाई बाई सिक्स का मान है। तो थीटा बराबर पाई बाई सिक्स है, और इसका रेंज माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू के बीच में होता है। साइन इनवर्स वन बाई टू का मान कितना गया, पाई बाई सिक्स, जैसे मुख्य मान निकालते हैं आप। अब आपको कुछ नहीं करना, इसका मान क्या है, साइन इनवर्स वन बाई टू का मान अभी पाई बाई सिक्स निकाले, रख दीजिए। या से टेन इनवर्स एक्स इक्वल टू कितना आ गया, पाई बाई सिक्स, तो एक्स बराबर क्या आ गया आपका, टेन पाई बाई सिक्स, ठीक है। तो टेन पाई बाई सिक्स किसका मान होता है, वन पर रूट थ्री का, तो एक्स बराबर आपका आ गया वन पर रूट थ्री आंसर, ठीक है, ये है। इसी तरीके से दोस्तों आप सातवां भी निकाल सकते हैं। आठवां देखिए मुख्य मान ही सब कुछ पूछा हुआ है, इसको आप निकाल लीजिएगा, ठीक है, सभी इंपॉर्टेंट है। इसका पढ़ाने के बाद हम आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड करा देंगे, वहाँ से आप लोग इसको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, ठीक। इसी तरीके से साइन इनवर्स साइन सेवन पाई बाई फोर का आपको मुख्य मान पूछा, 2020 में क्वेश्चन आया हुआ है, ये भी सिंपल सा है। अब देखिए सेवन पाई बाई फोर है, तो इसको हम क्या, इसको थोड़ा सा सरल करेंगे क्योंकि ये ज़्यादा अंश में है, ठीक है। तो साइन इनवर्स साइन इसको टू पाई माइनस पाई बाई फोर करेंगे तो इसके मान में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ से क्या आपका आ गया, साइन इनवर्स माइनस साइन पाई बाई फोर, यानी कि साइन टू पाई माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है, माइनस साइन थीटा होता है। तो थीटा की जगह कितना है, पाई बाई फोर है, तो यहाँ पर माइनस साइन पाई बाई फोर हो आ गया, ठीक है। अब देखिए साइन इनवर्स साइन थीटा बराबर क्या होता है आपका, साइन थीटा, तो यहाँ पर माइनस लगा, तो यहाँ माइनस आ गया, देख सकते हैं आराम से आंसर आ गया। आपको इसका फार्मूला आपको तैयार रखना है, ठीक। इसी तरीके से दोस्तों आप क्वेश्चन नंबर 11 और 12 कर लीजिएगा, ठीक है। और इसमें हमने अलग अलग क्वेश्चन इंपॉर्टेंट जो आया हुआ है उसको हम लोग अलग अलग भी लेकर के इसमें हमने ऐड किया है, ताकि आपको इससे बाहर कुछ भी ना पढ़ना पड़े, ठीक है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब आगे क्वेश्चन इसमें कुछ चेंजेस करके आपसे पूछ सकता है, जैसे साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई इक्वल टू पाई बाई टू, तो कहता है साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स वाई, ठीक है। तो जैसे हमें दिया है कि हम लोग ये फार्मूला आपको दिया है कि साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई इक्वल टू आपको पाई बाई टू होता है, ठीक है। ये क्वेश्चन में हमको दे रखा है प्रश्न अनुसार, तो चूंकि हम लोग जानते हैं, या फिर इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू इसको इधर लेकर चले जाएंगे तो पाई बाई टू माइनस साइन इनवर्स वाई। अब दोस्तों पाई बाई टू माइनस, अब इसको क्या लिख सकते हैं, माइनस वाई आया तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, पाई बाई टू माइनस कॉस इनवर्स वाई लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, इसके मान में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, करेंगे तो फिर यहीं आ जाएगा। तो यहाँ देखेंगे पाई बाई टू पहले से माइनस, यहाँ क्या होगा, अब ये माइनस गुणा का तो माइनस पाई बाई टू प्लस कॉस इनवर्स वाई आ गया,
ठीक है। अब माइनस पाई बाई टू ये इससे कैंसिल होगा, क्या बचा आपका कास इनवर्स वाई, तो देख सकते हैं साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू कास इनवर्स वाई आ गया, यही आपको प्रूव करना था। ठीक, इस तरीके से आप आंसर कर सकते हैं। चलिए अगला कहा है सिद्ध की करना है आपको कि सेक इनवर्स सेक स्क्वायर टेन इनवर्स टू प्लस कोशेक स्क्वायर कॉट इनवर्स थ्री इक्वल टू 15 आपको यहाँ पर लाना है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे भाई, यहाँ से हम इसका लेफ्ट हैंड साइड लेकर के हमें 15 लाना है, तो ये आप ले लीजिए। तो दोस्तों सेक ध्यान सुनिएगा, इसको मान लीजिएगा आप लोग क्या थीटा, तो सेक स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है। तो ये देखिएगा थीटा किसको मैंने माना हुआ है, टेन इनवर्स टू को, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर टेन इनवर्स टू प्लस, इसी तरीके से इसको भी करेंगे तो क्या आ जाएगा 1 प्लस काट स्क्वायर काट इनवर्स थ्री हो जाएगा। अब ध्यान समझिएगा 1 और 1 आप जुड़ जाएगा 2 हो जाएगा, और देखिए यहाँ पर टेन स्क्वायर है, ठीक है। अब देखिए ध्यान सुनिएगा, इसका अंदर देखिए स्क्वायर को पूरे के कोष्ठक के बाहर कर देते हैं, देखिए टेन इनवर्स क्वेश्चन टेन इनवर्स टू, इसी तरीके काट काट इनवर्स थ्री का स्क्वायर हो जाएगा। अब दोस्तों आप जानते हैं क्या कि टेन, ठीक है, टेन इंटू क्वेश्चन में क्या हो जाता है, टेन इनवर्स थीटा का वैल्यू क्या होता है, थीटा आती है। तो देख सकते हैं यहाँ पे 2 है तो इसका वैल्यू 2 हो जाएगा, और इसका वैल्यू 3 है तो 3 आ जाएगा, स्क्वायर है तो स्क्वायर हम लगाकर सरल करेंगे तो आंसर आपका कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। बात क्लियर है। चलिए इसी तरीके से आपको क्वेश्चन नंबर 13 आपको सरल कर लेनी है। तरीके से दोस्तों अगला है कि आपसे पूछा है एक्स का मान ज्ञात कीजिए, टेन इनवर्स एक्स इनवर्स इक्वल टू कॉट इनवर्स 4/x, तो इसको आप सरल कर सकते हैं, ये इसके बराबर आपको दिया हुआ है, तो कॉट इनवर्स x इक्वल टू क्या आ जाएगा, कॉट इनवर्स 4/x, इसको उल्टा कर देंगे। ध्यान सुनिए इस टेन को हमने उल्टा कर दिया है, अब तुलना कर देंगे कॉट कट से, तो x बराबर कितना आ गया आपका 4/x, एक्स एक्स का गुणा हो जाएगा एक्स स्क्वायर हो जाएगा, तो x का मान क्या आ जाएगा प्लस माइनस 2 हो जाएगा, इसको भी आप लोग तैयार रखिएगा। अब दोस्तों बात करते हैं लघु उत्तरी प्रश्न की तरफ बढ़ लेते हैं भाई, तो लघु उत्तरी प्रश्न में जो कि वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका आपको तैयार होना चाहिए। कहता है टेन इनवर्स 3/4 प्लस टेन इनवर्स 3/5 माइनस टेन इनवर्स 8/90 इक्वल टू पाई बाई 4 आपको सिद्ध करना है। तो इसका जो फार्मूला होता है ध्यान सुनेगा, इसका फार्मूला होता है कहता है कि टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई बराबर जो होता है, इसका फार्मूला होता है टेन इनवर्स कोश में एक्स प्लस वाई अपान के 1 - x इंटू वाई। नोट कर लीजिएगा ये फार्मूला आप सभी स्टूडेंट को याद होना चाहिए, सिर्फ ये फार्मूला याद है तो ऐसे क्वेश्चन में सिर्फ आपको मान रख करके आपको कैलकुलेट ही करना होता है, आंसर आपको मिल जाएगा, ठीक है। ये फार्मूला अब इतना क्वेश्चन जो ये है तो इस क्वेश्चन में वही फार्मूला लगेगा, लेकिन कैसे, पहले ये फार्मूला ये दोनों देखिएगा, इसको मान लीजिए एक्स इसको मानिए वाई, तो देखिए टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई, इसको दोनों को फार्मूला लगाकर सरल करके करेंगे तो एक फिर ये जो वैल्यू आएगा वो टेन इनवर्स कुछ में आएगा, ठीक है। और ये लास्ट वाला जो है क्या माइनस टेन इनवर्स ये बचा है, इसे फिर एक फार्मूला लगाएंगे आंसर आप पा जाएंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पर किया गया तो पहले हमने इसको ले लिया, फार्मूला लगा लिए टेन इनवर्स क्या हो जाए एक्स प्लस वाई, देखिए तो 3/4 प्लस 3/5 अपान के 1 - तो 1 - x इंटू वाई, यानी कि 3/4 इंटू 3/5 माइनस टेन इनवर्स ये जो कहते हैं यहाँ पर उतार देंगे। अब आपको करना क्या, इसको कर लीजिएगा कैलकुलेट, कैलकुलेट करेंगे तो टेन इनवर्स 27/11 माइनस के टेन इनवर्स 8/19। अब दोस्तों यहाँ पे एक और फार्मूला लग जाएगा, जस्ट उसी का भाई लगेगा उल्टा, यानी कि दोस्तों एक फार्मूला आप जानते हैं कि टेन इनवर्स एक्स प्लस सॉरी माइनस इस बार ना, तो टेन इनवर्स एक्स माइनस के टेन इनवर्स वाई, इसका फार्मूला होता है कि टेन इनवर्स x माइनस वाई अपान के 1 + x इंटू वाई होता है। ये फार्मूला, इसी फार्मूले पे इसको अब हम सरल करेंगे, ठीक है, नोट कर लिए। तो यहाँ देखिएगा कि tan इनवर्स x माइनस वाई, तो देखिएगा x माइनस वाई अपान के 1 + x इंटू वाई, अब आप सरल कर दीजिएगा, यही आपका क्या होगा आंसर होगा, ठीक है, ठीक। अब अगला क्वेश्चन देखिए फिर सेम वही है, सिद्ध कीजिए कि टेन इनवर्स 1/5 प्लस टेन इनवर्स 1/7 प्लस टेन इनवर्स 1/3 प्लस टेन इनवर्स 1/8। अब देखिए यहाँ पर 4 मिल गया प्लस प्लस, इन दोनों को एक साथ, इन दोनों को एक साथ सरल करिए, फिर इन ध्यान सुनिएगा इनको इनको साथ में सरल करिए, इनको इनको साथ में सरल करेंगे जो जो आंसर आएगा, फिर इसका टेन इनवर्स और इसका टेन इनवर्स फिर फार्मूला लगाएंगे, उसके बाद ये आंसर आएगा। 2019 क्वेश्चन पूछा हुआ है, देखिएगा अब यहाँ इसको इसको एक साथ
देखिए यहाँ फार्मूला लग गया, यहाँ फार्मूला लग गया, दोनों को आप कैलकुलेट करके सरल करेंगे तो टेन इनवर्स में ये वैल्यू आ गया, ये वैल्यू आ गया, फिर इसमें फार्मूला आप लगा दीजिए, ठीक है, इसको सरल करके फिर ये फार्मूला आप लगा दीजिएगा और इसके बाद कैलकुलेट करेंगे कट पिट कर। ऐसे क्वेश्चन में ध्यान से लगभग लगभग कट ही जाता है और टेन इनवर्स वन आता है, इसका वैल्यू क्या होता है, पाई बाई फोर होता है, ठीक है। तो इस तरीके के क्वेश्चन को आप करेंगे। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन है, कहता है सिद्ध कीजिए कि टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई प्लस टेन इनवर्स एक्स इक्वल टू जेड। आपको सिद्ध करता है, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप सभी को याद होना। तो कहता है एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू कि एक्स वाई जेड आप प्रूफ करना है, ठीक है। अब दोस्तों ध्यान सुनिएगा, इसका फार्मूला एक होता है टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई प्लस टेन इनवर्स जेड का एक फार्मूला होता है, ये फार्मूला ये नीचे है कि इसका फार्मूला होता है टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई जेड अपान के वन माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स इक्वल टू के पाई तो पाई, ये सूत्र ही होता है, ठीक है। अब करना क्या भाई, ये पाई है तो ध्यान सुनेगा, अब ये जो टेन इनवर्स है इसको हम इधर लेकर जाएंगे तो क्या हो जाएगा, टेन पाई हो जाएगा, टेन पाई का मान क्या होता है आपका जीरो। तो अब देखिए क्या हो गया, एक्स प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई अपान के वन माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स इक्वल टू क्या होगा, जीरो। इसको इधर गुणा करा देंगे, ये पूरा वैल्यू जीरो, यही आपका बच गया शेष, ठीक है, यही बच गया आपका शेष। तो देखिए एक्स प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई इसको उधर लेके जाएंगे बराबर के, देख सकते हैं यही आपको प्रूफ करना था, कितना प्यारा सा क्वेश्चन है और कितना सरल सा है, ठीक। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला कहता है कि सिद्ध कीजिए कि टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई प्लस टेन इनवर्स जेड इक्वल टू के पाई बाई टू। तो अब देखिए उसी का भाई है, ये कहता है एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स इक्वल टू की आपको वन यहाँ पर प्रूफ करना है। तो फार्मूला सेम वही लगेगा यहाँ पर भी, लेकिन यहाँ क्या है पाई बाई टू है, तो अब टेन इनवर्स इधर आ जाएगा, कितना आ जाएगा टेन पाई बाई टू, टेन पाई बाई टू का मान कितना इनफाइनाइट होता, इनफाइनाइट को क्या लिख सकते हैं वन अपान जीरो लिख सकते हैं। अब देखिएगा वही सेम है वन अपान जीरो, अब इसका गुणा इधर कर देंगे, इसका गुणा इधर, ये वाला वैल्यू तो पूरा जीरो हो जाएगी, बचेगा कौन वाला, ये वाला बचेगा वन माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड इक्वल टू जीरो। अब देखिएगा सभी को उधर लेकर जाएंगे तो क्या हो जाएगा एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स इक्वल टू के वन, देख सकते उसी का ये भाई है, तो कोई क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। चलिए अब शुरू करते हैं भाई लघु उत्तरी प्रश्न, जो कि आपको बोर्ड एग्जाम में पाँच अंक में पूछ सकता है इस अध्याय से। तो कहता है कि दिखाइए कि साइन इनवर्स 12 बटे 13 प्लस कॉस इनवर्स 4 बटे के 5 प्लस टेन इनवर्स 63 बटे के 16 इक्वल टू के पाई आपको प्रूफ करना, 2019 में क्वेश्चन आ चुका है। तो दोस्तों ऐसे क्वेश्चन को सरल करने के लिए आपको एक काम करना है, इसको इसको देखिए ये टेन में, तो ये दोनों को भी आप टेन में बना करके वही फार्मूला टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई वाला लगाएंगे, आंसर आप पा जाएंगे, ठीक है। तो वही हम यहाँ पर कर लेते हैं, तो यहाँ पर मान लेंगे कि माना इतने बराबर इतना, तो यहाँ पर कॉस थीटा बराबर इतना, तो यहाँ पर टेन का मान हम निकाल लिए, ठीक है, और यहाँ से इसका भी मान निकाल लिए। तो हमने यहाँ से मान निकाला तो हमने पाया कि साइन इनवर्स 12 बटे 13 बराबर, हम जहाँ साइन इनवर्स 12 बटे 13 रहेगा वहाँ पर हम टेन इनवर्स 12 बटे 5 लिख सकते हैं, इस विधि से ये आप निकाल सकते हैं, ठीक है। किसे लंब बटे आधारित त्रिभुज बनाएंगे, लंब है और इसी तरीके से इसको आप निकालेंगे। इसी तरीके से भाई इस कॉस इनवर्स को भी निकालेंगे, कॉस इनवर्स 4 अपन 5 इक्वल टू 5 मान लेंगे, तो कॉस 5 बराबर 4 बटे के 5, ठीक है। तो इस तरीके से ऐसे करेंगे, इसमें सिद्धाचार्य का फार्मूला लगाएंगे, सॉरी हाँ सिद्धाचार्य का यहाँ फार्मूला लगा करके आप यहाँ पर वैल्यू निकाल कर यहाँ निकाल लीजिएगा कि टेन थीटा बराबर क्या होता है, वो रख कर आप निकाल लेंगे, आप यहाँ पर कर सकते हैं, ठीक है। चलिए तो अब आपने कर लिया क्या, साइन इनवर्स बराबर टेन के माप में निकाल लिया और कॉस इनवर्स 4 बटे 5 की जगह पर हम टेन इनवर्स 3 बटे 5 रख सकते हैं। अब फटाफट सबके स्थान पर आप रख दीजिए। अब रखेंगे तो दोनों को एक साथ लेकर ये फार्मूला लगाइए, जैसे ये सरल करते हैं तो ये आता है, इसको सरल करने पर फिर ये वाला दोनों को साथ में लेकर वही फिर फार्मूला लगाइए, आंसर आप पा जाएंगे। हालांकि यहाँ फार्मूला नहीं लगाना क्योंकि देखिए लगभग क्वांटिटी आपका मिलता जुलता है, तो यहाँ क्या हो जाएगा सरल करेंगे तो कितना जगह इसका आंसर पाई आ जाएगा, ठीक। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन है, सिद्ध करना है 2 टेन इनवर्स 1 बाई टू प्लस टेन इनवर्स 1 बाई सेवन इक्वल टू के टेन इनवर्स 31 बटे के 17। यहाँ से बायां पक्ष हम लोग ले लेते हैं। अब दोस्तों इसमें हम लोग कुछ दूसरा फार्मूला यहाँ पर लगाएंगे। एक फार्मूला कहता है 2 टेन इनवर्स थीटा का जो फार्मूला था वो ये लगता है यहाँ पर कि टेन इनवर्स देखिएगा यहाँ क्या होता है 2 × 1/2 अपन 1 माइनस के ये एक्स का स्क्वायर हो जाता है, यानी कि 2x स्क्वायर अपन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। किसके फार्मूले को मैं एक बार फिर से बता देता हूँ, देखिए अगर 2 टैन इनवर्स एक्स अगर आपको कहीं पर दिखे तो इसका फार्मूला होता है टैन इनवर्स
टू एक्स अपान के वन माइनस एक्स स्क्वायर होता है। किसी भी हम इस फार्मूले को सरल करेंगे रख करके, और देखिए यहाँ पर वही रखा गया है, रखेंगे तो सरल रखेंगे इतना, अब इसमें वही टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई का फार्मूला लगाएंगे, आंसर पा जाएंगे। देख सकते हैं यानी क्वेश्चन थोड़ा थोड़ा चेंजेस है, लेकिन लगाने का प्रोसेस बिल्कुल क्या है, एकदम सेम है, और सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और इसमें से क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। इसी तरीके से दोस्तों आप इसको सरल कर सकते हैं, इसी तरीके से आप इसको भी सरल कर सकते हैं, जैसे इसके पिछले वाला क्वेश्चन हमने बताया था। अब देखिए यहाँ पर ये टेन है, ये आपका है, इस साइन इनवर्स को आप टेन में आप बदल लीजिएगा, ठीक है, आपको सिद्ध करने के लिए पूछा हुआ है, और यहाँ पर आप बायां पक्ष लेकर के टेन इनवर्स ये, अब इसको आप सरल करेंगे इतना आंसर आपका आ जाएगा, ठीक है। चलिए इसी तरीके से आप इसको भी सरल कर सकते हैं, और इसको देख लीजिएगा 2019 का क्वेश्चन पूछा हुआ है, इसका पीडीएम पढ़ाने के बाद आपको हम प्रोवाइड करा देंगे। अब देखिए टेन इनवर्स ए प्लस टेन इनवर्स बी इक्वल टू, आपको ये प्रूफ करना है कॉस इनवर्स वन माइनस ए बी अपन अंडर रूट में वन प्लस ए स्क्वायर इंटू वन प्लस बी स्क्वायर 10 और 18 में क्वेश्चन पूछा हुआ है, एक बार आप इसे देख लीजिएगा। इसका दोस्तों अगला क्वेश्चन है, ये भी आप देख लीजिएगा एक बार, इंपॉर्टेंट है, और ये 2014 में क्वेश्चन पूछा हुआ है, इस तरीके से क्वेश्चन मैं बता चुका हूँ, इसको आप कर सकते हैं आसानी से, ठीक है। और ये आपका दोस्तों अब अगर थोड़ा सा बनाना चाहेगा तो यहाँ पर दिए हुए समीकरण को आपको हल करने के लिए बोलेगा, तो आप हल करना जानते हैं, ठीक है, तो यहाँ से आप इसको हल कर सकते हैं, ठीक। चलिए इतना हो गया, और अगला क्वेश्चन भी आप इसी तरीके से सेम यहाँ पर लगा सकते हैं। तो दोस्तों लगभग लगभग ये क्वेश्चन आपका समाप्त हो चुका है, और ये वाला क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट, इसको आप लोग लगा लीजिएगा, ठीक है। तो दोस्तों आज के सेशन में आपका अध्याय फर्स्ट प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन मैथ का पूरी तरीके से समाप्त हो चुका है। इसका क्वेश्चन जितना है हम आपको पढ़ाने के बाद इसका पीडीएफ जो है आपको व्हाट्सएप ग्रुप में और टेलीग्राम में हम इसको शेयर कर देंगे, वहाँ से आप लोग डाउनलोड करिए और इसको अच्छे से पढ़कर तैयार कर लीजिएगा, इससे बाहर कुछ नहीं आ जाएगा, ठीक है। तो अभी तक आप लोगों ने क्लास को अभी तक शेयर नहीं किया है तो शेयर अपने दोस्तों में कर दीजिएगा, और व्हाट्सएप ग्रुप वाले बच्चे जो हैं वो क्लास को नहीं ले रहे हैं, उनको होता है कि कल लेंगे परसों लेंगे, ऐसा नहीं करना है, जब लिंक जाता है तो टाइम से आप क्लास में जुड़ जाया करिएगा, ठीक है। तो एक बार आप लोग शेयर कर दीजिएगा, और लाइक नहीं किया तो क्लास को आप लोग लाइक ज़रूर किया करिएगा, और चैनल पर लिपाने चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाकी मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।